दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को गूगल की एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने आप को यानी कि अपने नाम को यहाँ पे गूगल की सर्च में ला सकते हैं। इसको करने के बाद अगर आप अपने दोस्तों को कहेंगे कि मैं आपको गूगल पे मिल जाऊंगा और वो आपके गूगल पे जाके आपका नेम सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपका एक प्रोफाइल कार्ड उसे देखने को मिलेगा जिसमें कि आपके बारे में पूरी डिटेल वहां पे देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में आप लोगों को इसी का डिटेल बताने वाला हूँ कि आप अपने नाम को यानी कि अपने आप को गूगल में किस तरह से ऐड कर सकते हैं और गूगल रिजल्ट में अपने नाम को अपने दोस्तों वगैरह को किसी भी पर्सन को किस तरह से शो करा सकते हैं। तो अगर आप भी अपना नाम गूगल में ऐड कराना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक करने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके यहाँ पे ऑल पे सिलेक्ट कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे गूगल की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। गूगल की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है दोस्तों एड मी टू गूगल। आपको एड मी टू गूगल लिख के यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे फर्स्ट नंबर पर आपको गूगल एड्स का ऑप्शन मिलेगा स्पॉन्सर्ड, इसको आपको कुछ नहीं करना है। इसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है एड योर सेल्फ टू गूगल सर्च के काम का यही ऑप्शन है। अब आपको करना क्या है कि नीचे यहाँ पे एक बटन देखने को मिल रहा है गेट स्टार्टेड, आपको इस पे टैप कर देना है। अब जैसे आप इस पे टैप करेंगे तो आपके फोन में जितनी भी जीमेल आईडी होंगी वो सभी आईडी आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएंगी। तो इसमें से अपनी एक जीमेल आईडी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी एक जीमेल आईडी यहाँ से सिलेक्ट कर ली है। आईडी सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। चलिए पहले मैं इसको नॉर्मल मोड में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने एक फॉर्म आ चुका है। सबसे पहले आपका नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया, तो आपका नेम ये ऑटोमेटिक वहीं से लेगा दोस्तों जिस जीमेल के थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। इसलिए आपको ऐसे जीमेल के थ्रू लॉगिन करना है जो कि आपके नाम से बनाओ। यहाँ पे मैंने अपनी एक वेबसाइट के नाम से बना रखा है हेल्थ भारत, तो मेरा नाम ये ऑटोमेटिक ले लिया है। इसलिए आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको अपना वो जीमेल आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो कि आपने अपने नाम से बना रखा है। जीमेल आईडी के अंदर प्रोफाइल में आपने अपना ओरिजिनल नाम लिखा हुआ है, इसी तरह से आपको यहाँ पे कर लेना। उसके बाद जैसे आप इसमें आएंगे आपका नेम ये ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद आपसे लोकेशन पूछेगा तो लोकेशन में आप यहाँ पे अपनी सिटी वगैरह का नाम एंटर कर दीजिए। इस तरह से अपनी सिटी का नाम एंटर कर दीजिए तो पूरी डिटेल यहाँ पे आपके नीचे आ जाएगी जैसे आप लोकेशन डालेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अपने बारे में अगर आप कुछ भी यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं तो अबाउट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऑक्यूपेशन के बारे में अपनी डिटेल वगैरह देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। आप अपना वर्क क्या करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अपनी एजुकेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अपना होम टाउन ऐड कर सकते हैं। आपके पास कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल प्रोफाइल के लिंक आप ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अपना फोन नंबर ऐड कर सकते हैं। जो भी चीज आप ऐड करना चाहते हैं उसके सामने प्लस का आइकन है, इस पर टैप करेंगे। यहाँ पे आपको इस तरह का बॉक्स मिल जाएगा, इसमें आप उसको टाइप कर देंगे। तो इस तरह से अपनी पूरी डिटेल आपको इस फॉर्म में फिल कर लेनी है। और इसमें फिल करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू वाले बटन पर टैप करना है। जैसे आप प्रीव्यू वाले बटन पर टैप करेंगे तो आपका कार्ड किस तरह का नजर आएगा वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो चलिए जैसे कि मैं जल्दी से फॉर्म को फिल करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरी कार्ड में अपनी डिटेल भर दी है, यानी कि अपने बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे मैंने एंटर कर दी है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू पर टैप करना है। जैसे आप प्रीव्यू पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका एक कार्ड बनकर यहाँ पे तैयार हो जाता है। अब जब भी आपके नेम को कोई गूगल में सर्च करेगा तो उसको इस तरह का पूरा कार्ड देखने को मिलेगा जिसमें कि वो आपका नाम देख पाएगा, आप क्या करते हैं देख पाएगा, आपका वर्क, एजुकेशन, होम टाउन, आपका मोबाइल नंबर, आपकी वेबसाइट, आपका ईमेल एड्रेस, आप जो कुछ भी डिटेल यहाँ पे शो कराना चाहते हैं सब कुछ आपका गूगल में नजर आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सेव वाले बटन पर टैप कर देना है। जैसे आप सेव वाले बटन पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। चलिए व्यू सर्च एड पे चलते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेगा जब भी कोई आपको यहाँ पे सर्च करेगा यानी कि आपके नेम को गूगल पे एंटर करेगा तो उसको आपकी पूरी डिटेल इस तरह से देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रोसेस में 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं और कभी कभी आपको आधा घंटा भी लग जाता है, तो थोड़ा आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत आसानी से गूगल सर्च में अपने आपको एड कर सकते हैं। कोई भी फ्रेंड वगैरह अगर आपके नेम को गूगल पे सर्च करेगा तो सबसे टॉप पे उसको आपके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।